आज 26 जून है और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नशा करना समाज और सेहत दोनों के लिए हानिकारक होता है, फिर भी लोग करते हैं। आखिर क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस? पूरी दुनिया में नशीली वस्तुओं और पदार्थों के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अनुसार पूरी दुनिया में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसके दो उद्देश्य थे, पहला नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और दूसरे पूरी दुनिया में जो लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं उनको समुचित उपचार मुहैया कराने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना। भारत में भी नशे की स्थिति भयावह होती जा रही है। खुद संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हेरोइन से नशा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हेरोइन अफीम से बनती है और भारत के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है। एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि करीब 20 साल पहले 300 लोगों में से एक व्यक्ति शराब का सेवन करता था, लेकिन आज हर 20 में से एक आदमी शराब पीता है। विशेषकर उच्च तथा उच्च मध्यम वर्ग की महिलाएं भी शराब के नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। यह एक फैशन सा बनता जा रहा है, इसलिए आज नशा निषेध दिवस को मनाना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, तो आज 26 जून को आप लोग शपथ लीजिए कि आज के बाद कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। धन्यवाद, आप बने रहे YRY18 के साथ।